मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिवनी में रोड शो के दौरान एक भावुक करने वाला वाक्य सामने आया है। शिवराज जब जनदर्शन के लिए रोड शो करते हुए एक बस्ती से गुजर रहे थे, तभी उन्हें हाथ में फूलों की माला लेकर खड़ी एक अम्मा दिखाई दी। शिवराज ने अम्मा को प्यार से गले लगाकर कहा कि अम्मा का पक्का घर बनेगा। सिवनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के दौरान 287 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। रोड शो के दौरान उन्हें सड़क किनारे झोपड़ी में रह रही एक बुजुर्ग महिला सोनवती दिखाई दी, जो हाथों में फूलों की माला लिए उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। शिवराज ने उन्हें देखा और भावुक हो गए। शिवराज ने अम्मा को गले से लगा लिया और झोपड़ी देखकर बोले कि अम्मा का पक्का घर बनेगा और तुरंत कलेक्टर को बुलाकर उन्हें पट्टा देने और फिर मकान स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। इससे अम्मा भी भावुक हो गई, उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार माना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।